ये है हमारी वॉफल सीरीज का थर्ड एंड ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसमें हम बना रहे हैं चीज़ एंड कॉर्न वॉफल। तो अगर ये वॉफल आपको बिल्कुल 2 मिनट में अपने घर पे बनाना है तो ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखना, और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। तो अब ये जो चीज़ कॉर्न वॉफल है, ये बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे दही, और जितना हम दही लेंगे उसके आधे अमाउंट में हम लेंगे सूजी। उसके बाद हमें इसमें कॉर्न डालना है, लेकिन जो कॉर्न रहेगा उसको आप मिक्सर में या नाइफ की मदद से थोड़ा सा बारीक कर लेना, या मिक्सर में पल्स कर लेना, और उसके बाद यूज़ करना, क्योंकि जो मतलब सॉलिड कॉर्न रहेगा ना वो अच्छा नहीं लगता खाने में, और वॉफल में वो अच्छे से पक भी नहीं पाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा पल्स करके डाला है। फिर मैंने इसमें डाले हैं ग्रीन चिलीज, देन मैंने डाला है थोड़ा सा कैप्सिकम, और डाला है खूब सारा चीज़। चीज़ का टेस्ट, चीज़ का टेक्सचर किसे नहीं पसंद होता, इसलिए चीज़ डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। फिर मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, थोड़ा सॉल्ट, और उसके बाद अच्छी तरीके से इसे मैंने किया है मिक्स। तो जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तब तक आप कॉमेंट्स में बता दो कि आपको इस वॉफल सीरीज में फोर्थ एपिसोड चाहिए या नहीं। अब ये मेरा मिक्स हो चुका है। अब मैंने लिया अपना वॉफल मेकर, जिसको मैंने अमेजोन से मंगवाया था। इसमें मैं अपना जो मिक्सचर मैंने बना के रखा हुआ है वो मैं डालूंगी, और इसको अच्छी तरीके से सेक लूंगी। तो ये जो वॉफल मेकर है, इसमें आप चाहो तो बिना बटर या घी लगाए या ऑयल लगाए भी सेकोगे तो वॉफल आपका चिपकेगा नहीं, लेकिन चाहो तो फॉर अ बेटर टेस्ट आप थोड़ा सा बटर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ मेरा वॉफल सिक चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है, एकदम क्रिस्पी सा, करारा सा, और देखिए कितने इजीली ये वॉफल मेकर से बाहर आ जाता है, क्योंकि ये वॉफल मेकर बिल्कुल ही नॉन स्टिकी है। जिसे भी इसका अमेजॉन लिंक चाहिए वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। अब इसको मैंने डेकोरेट किया है विथ मेयोनीज, एंड थोड़े से मैंने कोरिएंडर के पत्ते भी डाले हैं। तो ये वॉफल रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, मैं गारंटी करती हूँ कि आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। और नई रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करके लाइक करें। बाय।